गवर्नेंस हुई है वो मैं समझता हूँ, मैं मेरे मुंह से नहीं जाना चाहता। आप अगर 100 लोगों ने पूछोगे 100 में 100 ही कहेंगे कि आप सरकार के विरोध में कोई हमारे पास में पॉइंट नहीं है किसी को भी। 100 में 100 का मतलब होता जाने का कोई शिकायत नहीं सरकार से, काम खूब हुए हैं। खाली लोकल हमारी समस्या है, विधायक से समस्या हमारी है, काम हमारे नहीं हुए मान लीजिए कोई जिला परिषद में उसमें से रहती है। और पर इतना शानदार गवर्नेंस हुई इस बार, ऐसे कानून हमने पास किए हैं, ऐसी स्कीम लेके आए हैं। अब देश के अंदर हमारे फैसले जो हैं, चाहे वो ओपीसी का भी क्यों नहीं हो सरकारी कर्मचारियों का, आरजीएसएस का एक मेडिकल का उनको दी हमने सुविधा, केंद्र सरकार में होती CGHS भारत में एक बार बैठा को मालूम है, मेरी मेंबर में भी मेंबर है CGHS का, दवाएं फ्री इलाज फ्री होता है, उसी ढंग की हमने सुविधा दी इन लोगों को कर्मचारियों को। वो सुविधा योजना से ज्यादा मजबूत थी। कहने का मतलब ये है उनका प्रमोशन हमने कर दिया अभी 10-20-30 की बजाय 9-18-27 कर दिए पहले की तरह। सब कर्मचारी खुश थे, कोई कमी नहीं। बाकी जो हमने इन्वेस्टमेंट के ट्राई किया 10,50,000 करोड़ के MOU साइन हो गए। सब कभी आते नहीं हैं, गुजरात में ही गुजरात वाइब्रेंट करते थे मोदी जी, 15-20% आते थे, हमारे यहाँ सौभाग्य से ज़्यादा इश्यू आ रहा है। मोटे तौर की बात है, ऐसे कानून उन्होंने बनाए हैं, पूरे देश में चर्चा हो रही है, इंग्लिश के अखबारों में, हिंदी के अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में जो है आर्टिकल आ रहे हैं। मुझे बहुत गर्व हुआ ये कानून उन्होंने बनाया था गिग वर्कर्स का। आजकल 15-20 साल आप देखते हैं ओला उबर जोमेटो अमेजोन पता नहीं क्या क्या एजेंसियाँ आ गई है, उनमें जो काम करे लाखों लोग हुए उनके लिए कानून बनाया। कानून कैसे बना अध्यक्ष जी को मालूम है, हम तो बैठे हुए थे राहुल जी के पास में बाहर जोड़ो यात्रा के अंदर, वो गिग वर्कर आए हमारे पास में राहुल जी से मिलने के लिए, अभी समस्या बताई, राहुल जी कन्विंस हुए और वहीं उन्होंने तय किया इसका कानून बनाएंगे हम लोग। उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए उनकी लाइफ के अंदर, वरना वो लोग जुड़ते हैं लोन लेते हैं बैंकों से कई बार ड्राइवर या अपनी टैक्सी लगा देते हैं। बड़े बड़े ये मल्टीनेशनल कंपनी है ये बड़ी बड़ी उबेर ओला वाली, और फिर उनका कोई जब निकाल देते हैं कोई पूछने वाला नहीं है। कानून पास किया और कानून को लेकर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अभी 5-10 दिन पहले आर्टिकल लिखा हुआ मिस्टर मैथ्यू ने, न्यूयॉर्क टाइम्स से उसके संबंध था कि ये कानून जो बना राजस्थान गवर्नमेंट ने वैसा कानून देश में हर राज्य में बनना चाहिए, केंद्र में बनना चाहिए और आगे लेकर दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। अगर राजस्थान का नाम या आज दुनिया के मुल्कों में कोई कानून बने राजस्थान सरकार ने बना दिया है, ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि काम में जो कमी नहीं है, अभी वक्त नहीं है कि वो मैं कोई 500 काम गिनूँ आपको, आप जानते होंगे DPR का नीचे से निकलता रहता है, पढ़ते होंगे मिलता होगा आपको, अखबार में रोज विज्ञापन आ रहे हैं, तुलना आ रही है विज्ञापन की, कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है। पिछली 5 साल गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट ने जो बता रहे हैं आपको स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, रात दिन का फर्क, मैंने असेंबली में पढ़ के सुनाया सबको आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा फर्क है, कोई कमी रखी नहीं हम लोग। 10 महंगाई राहत शिविरों में 1,82,00,000 परिवार आके वहां पर कार्ड लिए अपने, क्योंकि नेता नहीं आए, ये नेता जो थे बीजेपी के वो कोई कांग्रेस कैंप थे नहीं, सरकारी कैंप थे, नीचे वो भी आगे खड़े होते वहां पर, क्या दिक्कत थी उनको, कोई असहयोग किया उन्होंने, असहयोग किया उनको, पूछो भाई आपने खुद ने असहयोग किया पर आपके परिवार के लोग तो आए थे कार सबने लिए, कभी 1,82,00,000 हुए हैं, लगभग पूरी आबादी हो गई, 10-15% अलग होते हैं उनके लिए सब आ गए, और 7,80,00,000 के आसपास गारंटी कार्ड मिले लोगों को,
गारंटी ऐसी ऐसी है 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों को, 100 यूनिट बिजली फ्री उपभोक्ताओं को। अब 100 यूनिट बिजली फ्री है, 90 लाख लोगों के बिल जीरो आ गए, 90 लाख लोगों के। और फायदा सबको मिला है, आप यहाँ बैठे हुए ना, उन सबको फायदा मिला है, क्योंकि हमने उसमें 100 यूनिट सबको माफ करी है, चाहे पैसे वाला गरीब है अमीर है कितनी बिजली जलाओ, पर जो 100 तक है उसको फ्री कर दिया। जो चार्जर होते हैं फिक्स चार्जर वो सब खत्म कर दिए। अब वक्त नहीं मैं बताऊं कितने करोड़ हजार करोड़ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमने किसानों के लिए एक प्रकार से 90 पैसे से बढ़ाया नहीं पैसा कभी। आज 72,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों के लिए सरकार दे रही है, तो कानून अच्छे बने हमारे, किसानों की जमीनें कुड़के नहीं हो सकेंगे। अब उसके लिए पूरा कॉशियस होगा, कर्जा माफ करना है, कुछ करना है, हाईकोर्ट का जज होगा, कमीशन होगा, ये कानून पास कर दिया हम लोगों ने। ये नकदी लोग हैं, नकदी लोग, इनके लिए हमने कर दिया कि 200 लोग जेल गए होंगे, आज उन कारावास का प्रोविजन कर दिया जो पेपर लीक में भाग लेंगे। पेपर लीक गुजरात में नहीं हुए क्या, यूपी में नहीं हुए, कहाँ नहीं हुए देश के अंदर, पंजाब में नहीं हुए, आर्मी में हो गया है, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हो गया। ये बीमारी क्यों है, जड़ में जाना चाहिए केंद्र सरकार को और हम सबको भी। कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को टॉप कर दी, 1 करोड़ लोगों को अपन पेंशन दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं 6,000 रुपये, किसान सम्मान निधि, पूरा देश का मीडिया वीडिया प्रिंट मीडिया ऐसा फैला देने, बहुत बड़ा काम आज होने वाला, 2,000 रुपये दे रहे एक चीज दे रहे हैं, कितने होते हैं 6,000 होते हैं। हम दे रहे हैं प्रति माह 1,000 रुपये दे रहे हैं, कितने होते हैं वो 6,000 मजे लूट रहा है, प्रधानमंत्री 6,000 मजे लूट रहा है, विज्ञापन फेंके हुए करोड़ों का खर्च कर देगा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। और भैया हम तो 1500 रुपये दे रहे हैं, 80 साल के ज्यादा बूढ़े लोग हैं उनको 1500 रुपये हैं, पति पत्नी तो 3,000 रुपये हैं, 80 साल कम है तो 1,000 पति पत्नी को 2,000 रुपये हो गए तो 6,000 होते हैं। अधिक जो आपको कह रहे थे ना वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जमाना बदल गया, देखो ये मैंने राज सीरियो में खिलाफ था, मतलब इसमें क्या है, हमारी ड्यूटी है, हमने जो देना दे दिया इसकी मनाती लागू हो रही है। तो मुझे कहा भाई पिछली गवर्नमेंट वसुंधरा राजे के वक्त में बेनिफिशियरी को बुलाया गया जयपुर के अंदर, लाभान्वित लाभार्थियों को, लाभार्थियों को आजकल शब्द हो गए लाभार्थी और बेनिफिशियरी इंग्लिश के अंदर, उनको बुलाया गया, प्रधानमंत्री खुद आए दिल्ली से और जयपुर में मीटिंग करी गई, उनको बिल भेज दिए गए सब स्कीमों के, रास्ते पर लंच का ब्रेकफास्ट का डिनर का इंतजाम किया गया कलेक्टर द्वारा। आप तो संकोच करते हो, कैंपों में आएंगे तो लोग ऐसा भी होगा कि देखो हमारी ये स्कीम मिली, फिर मुझे कन्विंस किया गया, मैं भी कन्विंस हुआ, 10 योजनाएं हैं, सभी लोग 10 के हकदार नहीं होते हैं, किसी के घर में पेंशन मिलती है किसी में नहीं मिलती है, बुजुर्ग तो मिलेगी नौजवान कैसे मिलेगी। तो कंप्यूटर मालूम पड़ जाता भी ये 10 में 7 स्कीमों का हकदार है, ये 5 का है 4 का है, कई ऐसे लोग आए जो मालूम नहीं मैं 7 का हकदार हूँ, मालूम ही नहीं है ना, वो जाके ट्राई कर रहा है। तो हमने ऐसा कर दिया सबको, बता दिया सबको आप 5 के आप 7 के 8 के, आश्चर्य करने की खुद ही। और महिलाओं को हम दे रहे हैं 1,35,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन दे रहे हैं, इंटरनेट सर्विस 3 साल की फ्री। अब उसमें 40,00,000 महिलाओं को हमने गवर्नर की बजट के अंदर देना शुरू कर दिया है, बट रहे हैं। ये जो अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे आप काम दे योजना भी हो गई सब कुछ दे दिया उनके अंदर, 25 लाख बीमा कैसे करते हैं। मैंने आज स्पीचर में कहा है मोदी जी को, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कृपा करके आप कैंपेन करना आओ, कोई बात नहीं, आप मंत्रिमंडल के लोग आए एमपी आके बैठ गए
क्षेत्रों में कोई बात नहीं। दो बातें करके आओ, एक तो जो स्कीमें हमने बनाई राजस्थान सरकार ने जिनकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है, क्या वो ग्रामीण ओलंपिक भी क्यों नहीं हो? राजीव गांधी नाम से हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो हमने किया हो। दुनिया में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा जो पूरा स्टेट जो है वो खेल के मैदान में उतरे। 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया पिछली बार, महिला पुरुषों ने। 30 लाख में से आप समझ लीजिएगा करीब 10-12 लाख महिलाएं थी। इस बार 58,50,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया, 30 लाख महिलाएं थी उसके अंदर। और दादा पोते साथ खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, रस्सागजी खेल रहे हैं। इतना सीन था मैं खुद गया कई जगह पर। एक नई बात शुरू हो गई माहौल बनाने के लिए स्पोर्ट्स का राजस्थान के अंदर। अब कई राज्य सरकारें इस काम को करने लग गई है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, इस बार हमारी स्कीमें जो है पूरे देश के अंदर राज्यों में चर्चा में है। हमारी स्कीमों को लेके गारंटी दी जा रही है हमारे सरकारों के अंदर। हमारी स्कीमों को लेके वहाँ अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं वो लोग। पहली बार राजस्थान, हम सबको गर्व होना चाहिए, पहली बार राजस्थान हमेशा क्या चर्चा दर्शन होती नहीं थी। हाँ भले लोग हैं, आकाश होगा बढ़ता रहता है, पिछले राज्य के लोग हैं। पहली बार राजस्थान की स्कीमों के लिए, राजस्थान कानूनों को लेते, फैसलों को लेते, और जो यहाँ पर हमने उपलब्धि हासिल करी है, आज तमाम प्रीमियर संस्था देश की जो आज़ादी के बाद हमारे नहीं थी, तमाम संस्थाएं आगे राजस्थान, IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। आज पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना आप सबके सहयोग से, तब मैं 6 विश्वविद्यालय से राजस्थान हूँ। हमारे बच्चे बाहर जाते पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटक जाते हैं। आज राजस्थान 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, कुछ कॉलेज 40-50 खोल दी होगी, अभी ज्यादा खोल दी होगी मुझे याद भी नहीं है। जिसने मांगा मुझे कॉलेज, 70 साल में 250 कॉलेज खोली है हमने, 310 कॉलेज खोल दिए अभी 4 साल में। रीता चौधरी के आंसू गए हम लोग, 6 कॉलेज। अब तो सुनते ही आश्चर्य करता है, कहीं 6, कहीं 5, कहीं 4, कहीं 3 कॉलेज लड़कियों के लिए कर दिया। जब 500 बच्चे पढ़ेगी स्कूल के अंदर, कॉलेज बना दिया जाएगा। हम तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि प्रधानमंत्री जी को मैं कह रहा हूँ, कृपा करके हमारी योजना जो है, जो 25 लाख में हम करें, आप क्यों नहीं करो देश के लिए? 500 रुपये में सिलेंडर हम दे रहे हैं, दबाव पड़ा उनके ऊपर, 200 रुपये कम कर दें। स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी की उज्ज्वला योजना किसकी स्कीम थी? उनकी स्कीम थी। गरीबों हम दे रहे हैं, वो गरीब भैया 400 का 1150 हो गया सिलेंडर खरीदने पा रहा है। हमने 500 रुपये की घोषणा करी, मैंने दबा पड़ा 200 कम किए। मैं कहते 200 कम क्यों किए? आपकी स्कीम हम 500 दे रहे हैं, आप इस स्कीम में 500 रुपये क्यों दे रहे हो पूरे देश के अंदर गरीबों को? 25 लाख आप 5 लाख की बीमा दे रहे हो, और लोगों को पता नहीं पड़ता है, वो दे रहे लिमिटेड लोगों को, खाली जो सोशियो इकोनॉमिक सेंचर हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, 30% पब्लिक होगी। मान लो इंटरेस्ट होता है, इतना बोर्ड गवर्नमेंट क्यों बनते हैं? तो बोर्ड गवर्नमेंट बने तो आप मैनिफेस्टो में डाल दो कि हम तो बोर्ड गवर्नमेंट सरकार बनते हैं, 1 महीने बना देंगे, 2 महीने बना देंगे, जो भी करना पड़ेगा। अच्छा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो होता है उसकी भूमिका बड़ी होनी चाहिए, उसको मालूम है कि रोज कौन मिलने आ रहे प्रदेश कांग्रेस में। अभी आप बताइए, इतना बड़ा सम्मेलन किया, इत्यादि सम्मेलन था वो, आप सब ने साथ दिया, दूर दूर से लोग आए। हमारा खुद का प्रदेश का कार्यालय बन रहा है, एक बहुत बड़ा घर होता है लोगों को। उसी ढंग से हम दोनों वादा करके आए थे राहुल जी से हैदराबाद के अंदर, खड़गे साहब के अंदर, वो निभाया हम लोगों ने, वही प्रोग्राम आप लोगों ने किया। अब मैं कहना चाहूँगा, देखो एक हर आदमी तो मुझे खुश हो नहीं सकता। मुझे सोनिया गांधी जी का एक वाक्य याद आता है, अभी तो कुछ संकट ही घड़ी है कांग्रेस वैसे भी, देश में जो हालात है बहुत गंभीर है, चिंताजनक है, लोकतंत्र खुद खतरे के अंदर है,
ईडी इनकम टैक्स सीबीआई आप देख रहे हो क्या क्या हो तमाशे हो रहे हैं, सब विपक्ष के लोगों पे दावे बोले जा रहे हैं, चंदा एक तरफ इकट्ठा हो रहा है बीजेपी के पास में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड 95% वो ले रहे हैं, उद्योग पर पैसा देना चाहिए आपको, शाम को ईडी पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाती है, इस माहौल में हम चल रहे हैं, एक चैलेंज हमारे सामने है। हमारी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, इंडिया गठबंधन बना देश के अंदर, ये बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे मोदी जी बोलते थे, अब बताइए आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, अब राहुल गांधी पर अटैक क्यों कर रहे हो आप रोज, आप राहुल गांधी गांधी फैमिली अटैक करते क्यों हो, आपको क्यों चिंता है परिवार की, हम चिंता कर लेंगे, खुद ही चिंता कर लेंगे, आपको डर क्यों सता था उनके नाम का, क्योंकि कांग्रेस जो है पूरे देश के हर गांव में घर में आज भी मौजूद है, विश्वास इस परिवार इसलिए है, ये परिवार जाति धर्म वर्ग भाषा बोलने वाले अलग अलग सबको साथ लेके चलता है। और सोनिया जी ने कहा था एक बार अधिवेशन में कि भाई जो धैर्य रखता है कभी न कभी उनको मौका मिलता ही मिलता है, तो मेरा मानना यह है कि क्रूशियल टाइम है आपका, टिकट तो एक होता है, दो हो नहीं सकते, और हम आपको दोनों ईमानदारी से कह रहे हैं हमारा सब में इंटरेस्ट एक सा है, हमारे कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव का टाइम ही नहीं है अभी, जो पार्टी आज पावर में नहीं हमारी 54 और 44% है उसको पहले आप कम से कम सरकार में लाओ भाई, केंद्र में, चैलेंज बहुत बड़ा हमारे सामने है। तो अभी हर कांग्रेस नेता जो कांग्रेस लिए समर्पित है प्रतिबद्ध है उस दिन एक ही भावना होनी चाहिए कैसे कांग्रेस मजबूत हो, किस प्रकार हम कामयाब हों, इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे पूरी तरह इस बार सर्वे बेस पे फैसले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद एक टीम बनाई है, वो टीम जो है उनका नेता खुद जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आ गया है, आप सुनिएगा बात को, पहली बार जो टीम बनी है, पहले बड़ी कंपनी थी पीके नाम की आपने सुना होगा जो मोदी जी का काम किया था, उनका पार्टनर कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, वर्किंग कमेटी मेंबर बन गया, वो उनकी खुद की कंपनी सर्वे करेगी पूरे देश के अंदर हर राज्य के अंदर केंद्र में, ये तय कर लिया पार्टी ने, वो अलग कर रहे हैं, हम लोगों ने मिलते आप लोगों को दिमाग में रहती रहती बात को, फिर छोटे मोटे सर्वे और होते रहते हैं हमें पर लाके देते लोग बात, तो कहने का मतलब ये है कि टोटली जो हिस्ट्री बनेगी उसमें कोशिश करेंगे जो जीतने वाले उम्मीदवार का नाम आ रहा है उनको टिकट मिल जाए, तो टिकट मिलने के बाद में कृपा करके आप जो है अगर टिकट मिलने के बाद में मान लो कोई एमएलए है टिकट नहीं मिल पाया उसको, या एमएलए बनने लायक आदमी है या टिकट मांग रहा है या पहले टिकट मांगा मिला वो इस लायक है, और टिकट मिलने के बाद में हम सब मिलकर काम करेंगे, हम उसको विश्वास दिलाएंगे आप निश्चिंत रहो सरकार बन गई हमारी और तुम्हारी भूमिका रही पूरी जीतने के अंदर, तो आपको भी हम कोई भी पद दे करके वोट कर रखा देंगे, और तुम क्या कर सकते हैं, सबको साथ लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो कृपा करके हम आपको आह्वान करना चाहते हैं आप सरकार हमारी रही मान लो कांग्रेस की कि काम हुआ नहीं हुआ हम लोग मिल नहीं पाए, मैं नहीं मिल पाया, मुझे मिलने का शौक रहा जिंदगी भर कार्यकर्ताओं से, कोरोना आ गया 3 बार कोरोना मेरे को हो गया, हार्वेस्टिंग लग गया कोरोना के बाद में, कई लोग जा रहे हैं बेचारे नए लड़के भी डेथ हो रही है, 30% लोग हैं दुनिया के अंदर कोरोना के कारण उसको हार्ट का है किडनी का है आंखों का है और भी कई प्रॉब्लम है हो रही है, कहने का मतलब कि जो इस बार टाइम गुजरा उसमें शिकायत हमसे भी हो सकती है, मैं भी नहीं मिल पाया लोगों से, मुझे अपने लोग कहते हैं जोधपुर के लोग कहते हैं है शिकायत, पर ये शिकायत हमारी कई कारण रही है, इस काम से उच्च प्रकार डायलॉग नहीं हो पाए मालूम इसकी कमी हमारे में है, पर अध्यक्ष जी मिल रहे हैं लगातार लोगों से, हम कहना चाहेंगे आपको आज राज था कि ये काम हुआ नहीं हुआ कि पद मिला नहीं मिला, पर गांव का पटवारी या एसडीओ तहसीलदार भी मान सम्मान तो देता है, कोई कांग्रेस कार्यकर मेरी शिकायत कहीं नहीं कर रहे क्या, उस कार्यकर्ता बेचारी शक्ति भी नहीं हो वहाँ के एमएलए की परवाह नहीं कर रहा है कार्यकर्ता की, मुझे मालूम है कि एमएलए परवाह नहीं करते कार्यकर्ता की, तभी कार्यकर्ता में दम कम होता है बात करने का एसडीओ से भी तहसीलदार से भी,
वो समझता था कि आप इमरजेंसी बनती इनकी, बस शिकायत होते तो ऊपर कर दे मेरी, डर तो रहता है रात के अंदर, शिकायत नहीं होती आप समझे क्या होता है, हम देख चुके हैं, वो भी देख चुके हैं। कृपा करके इस बार ऐसा माहौल बन गया है लोगों के, तभी सगा आ सकती है, आगे वाला बोलता नहीं साहब, सगा आ सकती नहीं, आ रही आपकी सरकार, ये माहौल बना है, इस माहौल को आप आगे बढ़ाओ, बिना कार्यकर्ताओं दमखम के कोई सगा बन नहीं सकती। एक बार और मैं कह दूँ आपको, राहुल जी ने बात कही, खाली कामों से सगा नहीं बनती है, हमने काम बहुत अच्छे कर दिए, उचित कर रहे, आपका व्यवहार क्या है, डायलॉग क्या आपका है, जनसंपर्क कैसा आपका है, कार्यकर्ता कितने घर घर में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, जब तक आप सुख दुख में भागीदार नहीं बनोगे पब्लिक के परिवारों के, आगे पूछ भी लो भाई वो आपको कार्ड मिला था कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, सुना आपके घर में बीमार था वो ठीक हो गए, कोई पैसा खर्च तो नहीं हो आपका, कोई बेमारी तो नहीं हो रही है, खाली पूछ लो उनको, तो ये हमारे घर आ गया, मैं संभाला कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता दमखम पे हम चुनाव जीतेंगे ये मैं दावा कर सकता हूँ कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कृपा करके आप, ये बहुत खुशी चुनाव है, रास्ते में चुनाव ने पूरा धावा बोला हुआ इन लोगों का, क्योंकि ये सगा गिरा नहीं पाए हमारी, वो दर्द अमित शाह के दिल के अंदर घुसा हुआ है, अमित शाह ही पूरी पार्टी चला रहा है, आप देख रहे हो, वो खिलाड़ी है जो सबको बेचता भी है, कहता भी है क्या साम दाम दंड भेद करने हैं, सब वो धंधा ही कर रहा है पूरे देश के अंदर, गृह मंत्री होकर धंधे कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कर रहा है, चुनी सरकार गिरा लो आप, शर्म आनी चाहिए आपको, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिरा लो आप लोग, मध्य प्रदेश में गिरा दी, हमारी गवर्नमेंट बनी 15 साल के बाद में, कर्नाटक में गिरा दी, महाराष्ट्र में गिरा दी, क्या हो रहा है देश के अंदर, ये चिंता होनी चाहिए सबको। हमारी पार्टी में धमकम में देखो, हमारी नीतियाँ कार्यक्रम सिद्धांत हमारा त्याग बलिदान लंबी कहानी आज़ादी पहले की है बात की भी है, और इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं कभी ये लोग, प्रधानमंत्री के मुँह से कभी नाम सुना, जिस महिला ने पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए बांग्लादेश बना दिया, जिस महिला ने पाकिस्तान नहीं बनने दिया अपनी जान की बाजी लगा दी, खालिस्तान क्या आपने आप में जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको मालूम कितने लोग हत्या हो रही थी रोज के हिंदुओं के वहां पर, क्या नहीं किया उन्होंने, उनको मालूम था मेरी हत्या हो रही, मैं तो मंत्री था उनका, बोले उन्होंने कहा और बाथरूम चली गई, छीना छलनी हो गया उनका, कभी नाम लेते हैं लोग, पंडित नेहरू होते हैं नींव रखी देश की, कभी नाम लेते हैं, कितना बदनाम करते हैं सोशल मीडिया में उनको, ये वो लोग खतरनाक लोग हैं, ये खतरनाक सोच सकते हैं, दया भाव नहीं रखते हमारी तरह, हम बदले की भावना नहीं रखते इनके प्रति भी, सरकार हमारी मंत्री है हमारी कार्यकर्ता साहब इनको क्यों काम कर दे, तो मतलब आरएसएस का आदमी है, हमारे मंत्री का कोई बात नहीं, आरएसएस का तो काम जेन्युइन काम है इनका, हमारा कांग्रेस वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, दिमाग में रखा हम लोग, हमें गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे कांग्रेस वालों का दिमाग और जो दिल है बड़ा है, देश हित में समाज हित के अंदर है, हम दुश्मनी नहीं रखते हैं किसी के प्रति भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस कांग्रेस ही है, आज ही कल जनता बहुत समझदार है, इंदिरा जी चुनाव हार गई भाई, इतनी बड़ी महान नेता थी वो, वाजपेयी के वक्त में फील गुड हो रहा था, इंडिया साइनिंग हो रही थी, सोनिया गांधी जी निकली मैदान के अंदर, सब पार्टियों एक किया, विश्वास नहीं था कि वाजपेयी गवर्नमेंट चली जाएगी, चली गई, प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं बने इंदिरा जी सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मौका दिया बनने के प्रधानमंत्री, 10 साल से राज किया, कब पलटा खा जाए पता नहीं लगेगा इन लोगों का, इनका अहम गवर्नमेंट को ले डूबेगा, इसलिए आप लोग मजबूत रहो ये मैं आपको कहना चाहूँगा, पूरा बीकानेर संभाग जो है इस बार चमत्कार करे चमत्कार करे, ये मेरी आपसे मांगी अपील है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार चमत्कार करोगे सब मिलकर के, माहौल अच्छा है पब्लिक में, पब्लिक चाहती चुनाव सरकार बनाए, कांग्रेस पार्टी पब्लिक में जाती है, आप लोग मैदान उतर जाओगे तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही बात कहता था, जब कोई मौका लगेगा चुनाव में तो आएंगे आपके, गंगानगर हो हनुमानगढ़ हो चूरू हो बीजागर आते जाते रहेंगे मिलेंगे, आप लोग संकल्प लेके जाओ आज के दिन, हमें किसी भी कीमत पर सरकार बनवानी है राजस्थान के अंदर। धन्यवाद।